नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक बोगना हाजिर हूं आज एक बड़ी जबरदस्त परीक्षण लेकर आप दोस्तों के साथ। जैसे कि आप जानते हैं कि ओलंपिक्स में इस बार हमारे लड़कों की हॉकी टीम या फिर लड़कियों की हॉकी टीम जो है उन्होंने काफी ज्यादा उमदा प्रदर्शन किया, बहुत ही जबरदस्त। लेकिन ग्रहों की चाल कहिए, किस्मत कहिए कि दोनों ही अपना सेमीफाइनल हार गए, लेकिन प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। लड़कों ने दोबारा से वापसी की और कांस्य पदक पर अपना कब्जा जमा लिया। मतलब 40 साल बाद उन्होंने एक बार फिर से इतिहास रच दिया। बहुत ज्यादा ये न्यूज देखकर खुशी हुई और मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि क्या हमारी लड़कियां भी इसी तरह कल जो मैच होने जा रहा है ग्रेट ब्रिटेन के साथ भारतीय समय अनुसार सुबह 8:45 पर इतिहास रचेंगी। मुझे पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स में काफी इंटरेस्ट है और जब भी समय मिलता है तो मैं प्रेडिक्शन करता रहता हूं कुछ ना कुछ। जब ये सेमीफाइनल मैच हुए उस समय भी मैंने प्रेडिक्शन की, लेकिन जो अफसोस मुझे दिखाई दे रहा था, मेरा मन नहीं किया उस प्रेडिक्शन को अपलोड करने का। वो प्रेडिक्शन अभी भी मेरे लैपटॉप में सेव है। आज लड़कों की टीम ने जो इतिहास रचा उसे देखकर मैंने जैसे कहा कि मन में जिज्ञासा हुई कि क्या कल हमारी लड़कियां भी इसी तरह इतिहास रचने जा रही हैं। उसके लिए मैंने अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश की। इसको मैंने कस्पल इंटरलिंक माध्यम से हरारी चार्ट लगाया और जानने की कोशिश की। वो जो भी निकल कर आया, वैसे तो आप मेरे चेहरे से अंदाजा लगा ही सकते हैं, लेकिन इस चीज को, इस जो प्रेडिक्शन जैसे भी की मैंने, वो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाह रहा। तो चलिए सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आप दोस्तों के साथ। ये रही चार्ट आप दोस्तों के साथ जो मैंने प्रेडिक्शन चार्ट लगाया, ये कुंभ लग्न का बना दोस्तों। यहां पर चेक करेंगे तो मैंने होरारी नंबर जो रैंडम नंबर था वो आया 1863, क्योंकि कस्पल इंटरलिंक थ्योरी लगाई। जजमेंट का प्लेस लुधियाना और जो जजमेंट की तारीख वो 5 अगस्त 2021 और समय दोपहर के 12:13:27। जब भी हम कोई क्वेरी लगाते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम मून को देखते हैं कि मून क्या उस क्वेरी को रिफ्लेक्ट करता है या नहीं करता। मून राहु के स्टार पर है, राहु वीनस के साइन मून के स्टार पर, इन दोनों प्लैनेट को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। भाव चलत में मून फिफ्थ में है जो कि स्पोर्ट्स का भाव है, राहु थर्ड में जो कि साहस का भाव है, वीनस सेवंथ में जो कि सामने वाली पार्टी है। मतलब मून जो है वो क्वेरी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, हम आगे इसको देख सकते हैं। कस्पल इंटरलिंक थ्योरी में ऐसी जो भी क्वेरी होती है उसके लिए हम फर्स्ट सिक्स एंड जो इलेवंथ भाव है उनके कस्पल सब लोग चेक करते हैं। क्वेरी मैंने लड़कियों के लिए लगाई थी कि क्या भारतीय लड़कियां हॉकी में कल जो मैच होने जा रहा है इतिहास रचने जा रही है। तो सबसे पहले फर्स्ट कस्पल सब लोग चेक करेंगे इंडिया टीम के लिए, फिर सिक्स और फिर इलेवन। इसी तरह चार्ट को रोटेट करके दोबारा ये तीनों भाव ग्रेट ब्रिटेन के लिए चेक करेंगे, फिर हम लास्ट नतीजे पर पहुंचेंगे। फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड इंडिया के लिए देखा तो यहां पर जुपिटर आ रहा है जो कि पीएस क्वालिफाई कर चुका है दोस्तों, और वो मार्स के स्टार पर है। मतलब जुपिटर मार्स के साथ मिलकर, मंगल के साथ मिलकर किन भावों के साथ वो अपने इन्वॉल्वमेंट हमें दिखा रहा है। यहां पर देखा तो फर्स्ट सिक्स टेन या इलेवन में इनमें से कोई नहीं आ रहा है। यहां पर देखा मार्स और जुपिटर फर्स्ट भाव के जो ज्वाइंट रूलर बन रहे हैं वहां पर वो दिखाई दे रहे हैं, सिक्स में नहीं दिखाई दे रहे। टेन में वो मार्स साइनलॉर्ड बन के आया और इलेवन में जो जुपिटर है वो साइनलॉर्ड बन के आया। मतलब यहां पर फर्स्ट 10 और 11 भावों के साथ जुपिटर की जो है इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है। सन के सब पर गया, वो क्या कमिटमेंट कर रहा है। सन को देखा, सन फर्स्ट में दिखाई नहीं दे रहा। सन यहां देखा तो पीएस क्वालिफाई कर चुका है, सन सिक्स में नहीं आ रहा, लेकिन वहां उसकी सिक्स भाव में, भाव चलित में उसकी प्लेसमेंट है, तो सिक्स भाव के साथ उसकी जो है कमिटमेंट हो चुकी है। 10 में नहीं है, 11 में नहीं है। अब देखेंगे डेट्रीमेंटल हाउसेस क्या 5 और 12 में आ रहा है। तो 5 में देखा यहां पर सन नहीं हो रहा, लेकिन 12 में वो जो है स्टार लॉर्ड बना।
ट्वेल्थ भाव का। जुपिटर राहु के सब पर है, राहु हम जानते हैं कि वीनस के साइन में, मून के स्टार पर, तीनों भाव, दोनों जो प्लेनेट है इनको वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और तीनों ही ये प्लेनेट जो है ना तो फर्स्ट में है, ना सिक्स में है, ना टेन और ना इलेवन। तो इस तरफ देखेंगे, यहां पर देखा तो यहां पर मून आ रहा है फर्स्ट भाव का स्टार लॉर्ड बन के, यहां पर देखा सिक्स में, यहां पर मून साइन लॉर्ड बन के आ रहा है, यहां पर देखा राहु जो है सब सब लॉर्ड बन के आ रहा है, और इलेवन में ना राहु है, ना मून है, ना वीनस है। मतलब लास्ट कंफर्मेशन जो है वो फर्स्ट सिक्स और टेन भावों से हो रही है, लेकिन साथ में डेट्रिमेंटल हाउसेस फाइव और ट्वेल्व देखेंगे। तो यहाँ पर फाइव भाव जो है, जो ज्वाइंट रूलर है, वहां पर हमें राहु भी दिखाई दे रहा है और हमें वीनस भी दिखाई दे रहा है, मतलब पांचवा भाव भी आ रहा है साथ में, जो कि नेगेटिव भाव है। और यहाँ पे मून देखेंगे तो मून ट्वेल्व भाव का सब सब लॉर्ड बना, ये भी एक नेगेटिव भाव है। ये रही फर्स्ट भाव की जो भी पोजिशन हमारे सामने निकल कर आई। आगे सिक्स को चेक करेंगे, वीनस बना, वीनस देखेंगे, वीनस पीएस क्वालिफाई कर चुका है, वीनस अपने ही स्टार पर है, वीनस को हैज ए प्लैनेट, हैज ए स्टार देखेंगे। तो यहाँ पर वीनस ना फर्स्ट में, ना सिक्स में, ना टेन, ना इलेवन में। यहाँ पर देखा फर्स्ट में ज्वाइंट रूलर नहीं आ रहा, यहाँ सिक्स में देखा वो कस्पल सब सब लॉर्ड बन रहा है, टेन और इलेवन में नहीं आ रहा, मतलब सिक्स भाव के साथ उसकी जो है इन्वॉल्वमेंट हो रही है वीनस की। अब वीनस सैटर्न के सब पर चला गया और वीनस अपने ही सब सब पर है। सैटर्न को देखा तो सैटर्न पीएस क्वालिफाई नहीं किया, तो सैटर्न को इस तरफ ना देखते हुए सिर्फ इस तरफ देखेंगे तो वो साइन लॉर्ड बना फर्स्ट का, वो सिक्स का स्टार और सब बना, टेन का स्टार बना और इलेवन का सब बना। मतलब फर्स्ट सिक्स टेन और इलेवन इन भावों के साथ उसकी जो है कमिटमेंट जो है सैटर्न की हो रही है, लेकिन साथ में नेगेटिव भाव देखेंगे। फाइव में देखा वो नहीं आ रहा, ट्वेल्व में वो आ रहा है। आगे देखेंगे कि वीनस अपने ही सब पर है और वीनस देख लिया कि सिक्स भाव का कस्पल सब सब लोड बना, तो क्या वो फाइव और ट्वेल्व में आ रहा है? यहां देखा तो फाइव में वो आ रहा है लेकिन ट्वेल्व में नहीं आ रहा है, ये रही उसकी पोजीशन। अब लास्ट में देखेंगे सैटर्न को, सैटर्न जो है पीएस क्वालिफाई जैसे हमने कहा कि नहीं किया, वो स्टार के थ्रू अपने जो चंद्र है उसके थ्रू अपना रिजल्ट देगा, और चंद्र यहाँ पर देखा तो फर्स्ट सिक्स टेन और इलेवन में नहीं आ रहा, यहाँ देखा वो फर्स्ट में आ रहा है, यहाँ देखा सिक्स में नहीं आ रहा, सिक्स में आ रहा है साइन लॉर्ड बन के, और टेन में नहीं आ रहा, इलेवन में नहीं आ रहा। वन और सिक्स जो है इन भावों के साथ शनि ने जो है अपने स्टार के थ्रू इन्वॉल्वमेंट कर ली। अब आगे देखेंगे, आगे सैटर्न अपने हिसाब पर, और सैटर्न हम देख ही चुके हैं कि फर्स्ट सिक्स टेन एंड इलेवन इन भावों के साथ उसने जो है कमिटमेंट की हुई है, लेकिन साथ में फाइव में वो नहीं आ रहा, ओनली ट्वेल्व में वो दिखाई दे रहा है। सब सब लेवल पर फिर सैटर्न आ रहा है, मतलब यहां पर भी जो फाइव नहीं आ रहा सिर्फ ट्वेल्व आ रहा है। ये इंडिया की टीम का हमने निकाला। अब इसको चार्ट को रोटेट करेंगे सेवंथ भाव से और इसको ग्रेट ब्रिटेन के लिए देखेंगे। यहाँ पर देखा तो फर्स्ट कस्पल सब सब लॉर्ड भी जुपिटर आ रहा है, और यहाँ पर देखा कस्पल सब सब लॉर्ड सिक्स का चंद्र आ रहा है, यहाँ पर देखा इलेवन का वो वीनस आ रहा है। जुपिटर को हम देखा तो पीएस क्वालिफाई कर चुका है और मार्स के स्टार में है, तो यहाँ देखेंगे जुपिटर और मार्स दोनों जो है क्या किन भावों के साथ उनकी इन्वॉल्वमेंट हो रही है। यहाँ मार्स फर्स्ट में आ रहा है, जुपिटर जो है सिक्स में आ रहा है, टेन में देखा जुपिटर नहीं आ रहा ना मार्स आ रहा है, लेकिन इलेवन में जो है जुपिटर आ रहा है, मतलब जुपिटर जो है मार्स के साथ मिलकर फर्स्ट सिक्स और इलेवन के साथ उसकी इन्वॉल्वमेंट हमें दिखाई दे रही है। आगे वो चला गया सन के सब में। अब सन को देखिए, सन फर्स्ट में नहीं आ रहा, सिक्स में नहीं है, टेन में नहीं है, इलेवन में नहीं है, सन पीएस क्वालिफाई कर चुका है, यहाँ फर्स्ट का वो साइन लॉर्ड बना, सिक्स में आ रहा है वो, टेन में नहीं आ रहा, इलेवन में नहीं आ रहा। अब देखेंगे डेट्रिमेंटल हाउसेस फाइव में आ रहा है, फाइव में भी वो नहीं आ रहा, लेकिन ना ही वो ट्वेल्व में आ रहा है। अब आगे देखा उसको तो आगे वो हमें ट्वेल्व में आ रहा है, क्योंकि ये ट्वेल्व में जो सन है वहां पर उसकी प्लेसमेंट है चलित में, सिर्फ ट्वेल्व भाव दे रहा है वो स्टार लेवल सब लेवल पर। अब देखेंगे जुपिटर जो है वो चला गया राहु के सब पर, राहु वीनस और मून को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो तीनों को देखेंगे। अब तीनों को देखा तो ना तो राहु मून वीनस फर्स्ट में है, ना सिक्स में है, ना टेन में है, इलेवन में मून आ रहा है। मून जो है राहु फर्स्ट में आ रहा है, इलेवन में मून आ रहा है, मून टेंथ भाव का स्टार लॉर्ड भी बना, सिक्स में देखा तो वो सब सब लॉर्ड बना। मतलब लास्ट लेवल पर वन सिक्स टेन एंड इलेवन चारों भावों के साथ उसकी कंफर्मेशन हो रही है, लेकिन साथ में फाइव और ट्वेल्व भाव भी देखने पड़ेंगे। फाइव में यहां पर नहीं दिखाई दे रहा हमें कुछ भी, ना ही यहां पर दिखाई दे रहा, लेकिन ट्वेल्व में वीनस जो है कस्पल सब सब लॉर्ड बना। इसका मतलब ये होगा कि जो फर्स्ट भाव का कस्पल सब सब लॉर्ड है ग्रेट ब्रिटेन का, वो इंडिया से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमें दिखाई दे रहा है। अब बात करेंगे सिक्स कस्पल सब सब लॉर्ड की, मून की। मून पीएस क्वालिफाई कर चुका है, राहु के स्टार पर है, तो मून राहु वीनस इन तीनों को देखेंगे। हम देखेंगे तो राहु फर्स्ट में, सिक्स में मून,
10 में मून, 11 में उसकी प्लेसमेंट है, 1, 6, 10 एंड 11 चारों भावों के साथ इसकी जो है इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है चंद्र की। अब वो सैटर्न के ही सब पर, सैटर्न के ही सब सब पर है, और सैटर्न को देखा हमने, सैटर्न फर्स्ट में नहीं आ रहा है, लेकिन सैटर्न जो है वो पीएस क्वालिफाई नहीं किया, यहाँ है सैटर्न 6 में लेकिन इसको हम नहीं लेंगे, यहाँ पर 6 में आ रहा है फिर दोबारा वो सब लोड बनके और साइन लोड बनके भी आ रहा है, तो 6 यहाँ पर वो उसकी कमिटमेंट हो रही है, लेकिन यहां पर देखेंगे तो 11 में नहीं है लेकिन 10 में है, तो यहां पर वो 6 और 10 के साथ उसकी कमिटमेंट हो रही है। अब देखेंगे डेटमेंट हाउसेस 5 और 12 देखेंगे, तो 5 में देखा सैटर्न सबलोड बन के आ रहा है, 12 में देखा तो यहां पर भी वो स्टार और सबलोड बन के आ रहा है, और सबसे बड़ी बात मून जो है वो सैटर्न के ही सब सब पर है, तो यहां पर भी सेम यही पोजीशन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 6 कस्पल सब सब लोड है ग्रेट ब्रिटेन का, वो इंडिया से ज्यादा अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, मतलब इंडिया का 6 कस्पल सब सब लॉर्ड जो है काफी अच्छा है इस ग्रेट ब्रिटेन के 6 कस्पल सब सब लॉर्ड से। ठीक, अब 11 में देखेंगे, 11 में देखा तो कस्पल सब सब लॉर्ड वीनस पर है, वीनस कहां है, वीनस अपने ही स्टार पर सैटर्न के सब पर, अपने ही सब पर है। अब वीनस को चेक किया फर्स्ट में, फर्स्ट में आ रहा है वो वीनस, 6 में देखा नहीं आ रहा, 10 में देखा आ रहा है, 11 में आ रहा है, मतलब 1, 10 एंड 11 के साथ उसकी इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है। अब सैटर्न सब है, सैटर्न को देखा तो सैटर्न जो है वो 6 साथ में 10 और साथ में वो 6 और 10 ही दे रहा है। ठीक है, लेकिन उसकी जो साथ में 5 और 12 उन भावों को भी वो दर्शा रहा है। अब लास्ट वीनस अपने ही सब सब पर है, तो वीनस को देखा तो वीनस यहाँ फर्स्ट में आ रहा है, वीनस 6 में नहीं आ रहा है, वीनस 10 में आ रहा है, 11 में आ रहा है, लेकिन साथ में क्या वो 5 और 12 इन भावों के साथ भी आ रहा है, तो देखा पांचवें में वीनस नहीं आ रहा है, यहां सिर्फ वो 12वें भाव का बना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उस तरफ भी इंडिया का जब हमने देखा था 11th कस्पल सब सब लॉर्ड भी वो भी सेम ही आ रहा था, और यहां पर भी ये सेम ही आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो टक्कर है दोनों टीमों में बड़ी कांटे की होनी चाहिए। अब करते हैं कि बात कि जब मैच शुरू होगा 8:45 पर, उस समय प्राण दशा क्या चलेगी, ये रही प्राण दशा। प्राण दशा चलेगी शाम को 5 बजे तक सैटर्न की। अब सैटर्न को देख लेते हैं, सैटर्न यहां देखा इंडिया की टीम का 11th भाव का कस्पल सब सब लॉर्ड बन रहा था, दोबारा से देखें तो सैटर्न जो है पीएस क्वालिफाई नहीं किया, चंद्र के स्टार पर है मून, जो है मून स्टार, और मून को देखा यहाँ पर फर्स्ट 6, 10, 11 में नहीं आ रहा, यहां देखा वो फर्स्ट भाव का कस्पल सब लॉर्ड बन रहा है, 6 में साइन लॉर्ड बन रहा है, 10 में नहीं है, 11 में नहीं है। शनि अपने स्टार के थ्रू फर्स्ट और 6 इन भावों के साथ उसकी इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है, सैटर्न अपने ही सब और अपने ही सब सब पर है, सैटर्न फर्स्ट भाव का साइन लॉर्ड बना, 6 भाव का स्टार और सब बना, 10 का वो स्टार बना और 11 का वो सब बना, सारे भावों के साथ 1, 6, 10 और 11 भावों के साथ इसकी कमिटमेंट जो है दिखाई दे रही है। लेकिन क्या 5 और 12 में वो भी दर्शा रहा है, शनि शनि यहां देखा 5 में नहीं आ रहा, शनि सिर्फ 12 में आ रहा है, और जो शनि है ये अपने ही सब सब पर है, मतलब ये हुआ कि शनि स्टार के थ्रू हमें फर्स्ट 6 दे रहा है, सब के थ्रू सारे भाव दे रहा है, सब सब के थ्रू भी सारे भाव दे रहा है, लेकिन सब और सब सब पर सिर्फ वो 12 भाव दे रहा है, 5th भाव नहीं आ रहा। अब दूसरी तरफ चेक कर लेते हैं, दूसरी तरफ ग्रेट ब्रिटेन का सैटर्न चेक करते हैं, यहां पर सैटर्न मून का ही रिजल्ट देगा क्योंकि पीएस क्वालिफाई नहीं है अभी। अब मून देखा यहां पर 11th भाव में दिखाई दे रहा है, मून फर्स्ट में नहीं है, मून 6 में सब सब लॉर्ड बना, 10 में वो स्टार लॉर्ड बना, मतलब 6, 10 और 11 भावों के साथ उसकी इन्वॉल्वमेंट हमें दिखाई दे रही है। सैटर्न अपने ही सब सब पर है, सैटर्न फर्स्ट में कहीं दिखाई नहीं दे रहा, सैटर्न पीएस क्वालिफाई नहीं किया, तो इसका मतलब यहां जो सैटर्न बैठा हुआ है इसको हम नहीं लेंगे, तो फर्स्ट में नहीं आ रहा, 6 में आ रहा है, 10 में आ रहा है, 11 में नहीं आ रहा, सैटर्न सिर्फ 6 और 10 भावों के साथ अपनी कमिटमेंट दिखा रहा है, साथ में 5th भाव का वो सब बना और सब सब बना, 12th भाव का वो स्टार और सब बना, सैटर्न अपने ही सब सब पर है, मतलब वहां पर भी वो दोबारा से हमें सैटर्न जो है 6 और 10 भावों के साथ साथ 5th और 12th भाव आ रहे हैं, लेकिन इंडिया की तरफ
ऐसी कुछ भी सिचुएशन दिखाई हमें नहीं दे रही थी। इसका मतलब ये हो रहा है कि कल का मैच हमारी लड़कियां जो है जीतेंगी और इतिहास रचेंगी। आशा करता हूं और मेरी शुभकामनाएं कल लड़कियों के साथ हैं कि वो लड़कियों की तरह एक बार इतिहास रच दे, दिखा दे दुनिया को, चक दे इंडिया। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो पर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने विचार देने के लिए स्वतंत्र हैं। और मेरी तरफ से एक बार फिर से लड़कियों को शुभकामनाएं, कल का दिन उनके लिए खुशियों भरा रहे और वो दुनिया को अपनी ताकत दिखा दें।